सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल अब सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। रोडवेज कर्मियों की मांगों के समर्थन में न सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता उतर आए हैं, बल्कि खाप पंचायतें और अन्य समाजसेवी संगठन भी रोडवेज कर्मचारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। पिछले चार साल में कई बार रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल की है, लेकिन ये पहली बार है जब इतने दिनों तक हड़ताल जारी है। रोडवेज कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़कर ही रहेंगे। वहीं सरकार भी आए दिन किसी न किसी कर्मचारी नेता को निलंबित करने में लगी हुई है। हरियाणा में जारी रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर सोनीपत में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी रोडवेज हड़ताल का समर्थन करती है और उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। मुख्यमंत्री ने तो स्टेप डाउन करने के बजाय इस बात की जिद कर रखी है कि हर हालत के अंदर मैं 720 पता नहीं कितनी बसें जो प्राइवेट है वो चलवाऊंगा, और वो प्राइवेट बसें जो है कोई अलग अलग लोगों की नहीं है, वो केवल दो लोगों की, एक गुजरात की कंपनी है और एक पानीपत की कंपनी है जिनको ये बसें दी गई है। जो बस हमारी हरियाणा रोडवेज की प्रॉफिट में रहती है उसको बंद कर रहे हैं और उन बसों को चलवाने के लिए मुख्यमंत्री अडिंग है, जिद्दी है इस बात के लिए कि मैंने वो बसें चला रही है जो 45 रुपए किलोमीटर के हिसाब से सरकार से लेगी और रोजाना 300 किलोमीटर की गारंटी सरकार ने दी है कि 300 किलोमीटर का तो पैसा देंगे, बस चाहे 100 किलोमीटर चले, बस चाहे 50 किलोमीटर चले, बस चाहे खड़ी रहे, उसको 300 किलोमीटर के पैसे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आम आदमी जो बस में सफर करके और अपनी रिश्तेदारी तक जाता है, अपने स्कूल तक जाता है, अपने कॉलेज तक जाता है, अपने हॉस्पिटल तक जाता है, चाहे वो अपने कोई दुख सुख के साथियों से मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। झज्जर में जारी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को खाप पंचायतों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान कादियान, गुलिया, दहिया और दलाल खापों ने रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन किया। ये बात किसी से छुपी नहीं कि रोडवेज का महकमा हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान है, सरकार इसी को खत्म करने पर तुली हुई है। सरकार को बल्कि ये चाहिए था कि जैसे कि आज 3.25 करोड़ जनता के लिए 10,000 बसों की डिमांड है और सरकार के पास 4,000 बसें हैं, 6,000 बस और शामिल करती 36,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलता, लेकिन सरकार की मंशा हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह बर्बाद करने की है। तो इसी कड़ी में इस महकमे को प्राइवेट करके और इस महकमे को खराब करने की सरकार की योजना है, लेकिन हम लोग पूरी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरा परिवार, पूरी पार्टी रोडवेज कर्मचारियों के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर हरियाणा प्रदेश का अनित नहीं होने दें। भिवानी में भी रोडवेज कर्मचारियों के धरने पर सीएलपी लीडर किरण चौधरी पहुंची और अपना समर्थन दिया। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ ज्यादती कर रही है। 13 दिन हो गए हैं, सारे हरियाणा के कर्मचारी जो है वो सड़कों पे हैं, हड़ताल पे हैं और सरकार जो है उसका संज्ञान ही नहीं ले रही। सरकार का काम ये होता है कि जब कोई इस तरह की मुसीबत आती है या कोई समन्वय बनाना पड़ता है और उसके ऊपर बातचीत के जरिए से सारी जो है उसका जो है उसके ऊपर निष्कर्ष निकालकर और वो काम बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बातचीत करने के बजाय, आपस में मेल जोल बिठाने की बजाय, समस्याओं को समझने की बजाय ये सरकार जो है कर्मचारियों को बर्खास्त कर रही है और इस तरह से बर्खास्त कर रही है कि बिल्कुल परवाह ले, और वो भी उसके ऊपर कि निजीकरण के लिए के विरोध के अंदर जो ये बैठे हैं, हम इनको समर्थन इसलिए देते हैं क्योंकि सरकार की मंशा केवल और केवल निजीकरण करने का मतलब ये है कि अपने चहेतों को अपने कहते फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण की बात कर रहे हैं। चरखी दादरी में रोडवेज हड़ताल पर दिव्यांगों ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान दिव्यांग राधेश्याम ने कहा कि उनको भी रोडवेज की बसों में सफर करना पड़ता है क्योंकि निजी बसों में उनको काफी धक्के खाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ जी जो प्राइवेट बसें हैं ये विकलांग आदमी को नीचे उतार देती हैं और एक हमारे साथ साथी होता है उसकी टिकट काटते हैं, ज्यादातर रोकते नहीं और कभी रोक देते हैं तो जगह नहीं मिलती, मतलब हम परेशान हैं प्राइवेट बसों से। हम इनका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं जी सरकारी बसों का, कि सरकारी बसें ही चलनी चाहिए। हरियाणा में बीते 13 दिनों से जारी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से हर कोई परेशान है। जहां प्रदर्शनकारी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं खापों और राजनीतिक दलों के समर्थन में आने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
हरियाणा में सरकार बनाने में भी 3 लाख कर्मचारियों का काफी योगदान होता है। अब देखना होगा कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को कब तक खत्म करवा पाती है। रोडवेज हड़ताल से एक बात तो जाहिर है कि कर्मचारियों और सरकार के बीच जनता पिस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।